आजकल छोटी छोटी बातों पर लोग जान लेने पर उतारू हो जाते हैं, जिंदगी की कोई कीमत नहीं रह गई। और इसी तरह के हादसे का शिकार हुआ एक दलित परिवार, जहां बाल काटने के बाद अपने हक के पैसे मांगने पर उसे गोली मिली। इसी दुखद घटना के बारे में उस दलित परिवार का दुख बांटने, साहस बांधने, साथ ही न्याय दिलाने का भरोसा दिलाने राहुल गांधी पहुंचे। एक अंधेरी कोठरी में बैठकर पूरे परिवार ने राहुल गांधी को अपनी आप बीती सुनाई। रात के करीब 1:30 बज रहे होंगे और तेज बारिश हो रही थी, तभी नेता प्रतिपक्ष नसीराबाद के गांव में पहुंचते हैं। बेटे को खोने के दुख में रोती बिलखती माँ राहुल गांधी को उम्मीद की नजरों से देखती है। करीब आधे घंटे तक राहुल गांधी परिवार से बातचीत करते हैं। उस दौरान कोठरी में भीम युवा संगठन के अध्यक्ष और बाकी परिवार जन भी मौजूद रहते हैं। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। जैसे ही वे नसीराबाद के पछवरिया गांव पहुंचे, यहां उनको अव्यवस्था देखने को मिली। यहां पर उन्होंने अर्जुन पासी के परिवार वालों से मुलाकात की। अर्जुन पासी की 10 दिन पहले 11 अगस्त को गोली मारकर हत्या कर दी गई। कच्चे घर में रह रहे अर्जुन पासी के परिवार वालों ने राहुल गांधी के सामने अपना दर्द बयां किया है। एक व्यक्ति को मारा गया है और यहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मास्टरमाइंड है, जिसने करवाया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सारे के सारे लोग जो यहाँ हैं, न्याय मांग रहे हैं। यहाँ पे पूरी भीड़ है। ये सारे के सारे लोग जो यहाँ हैं, न्याय मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक दलित युवा को जान से मारा गया है, धमकाया गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है, एक व्यक्ति को मारा गया है और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मास्टरमाइंड है, जिसने करवाया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी यहाँ के मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लोग गुस्सा हैं। मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की इज्जत हो, हर वर्ग की रिस्पेक्ट हो और न्याय सबको मिले, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और हम इस मामले को नहीं छोड़ने वाले हैं। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। मृतक अर्जुन पासी की मां ने राहुल को बताया कि उनका छोटा बेटा बाल काटता है। आरोपी उसकी दुकान पर 5 से 6 बार बाल कटवाने आया। आखिरी बार गुड़िया पर जब वे बाल कटवाने आए, बाल कटवाने के बाद फिर पैसे नहीं दिए, तब उसने पैसे मांग लिया। मां ने बताया कि इसके बाद उसके बेटे की हत्या कर दी गई। राहुल ने कहा कि परिवार के खिलाफ, समाज के खिलाफ अन्याय हुआ, इसीलिए इन्हें न्याय दिलाना जरूरी है। पीड़ित को न्याय मिलेगा। दलित परिवार है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। वो यहां दलितों की रक्षा के लिए आए हैं। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा, मोहतरम नकवी, राजवड़ी प्रसाद, रायबरेली के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी, पूर्व जिला अध्यक्ष वीके शुक्ला, विजय शंकर अग्निहोत्री, अतुल सिंह मौजूद रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।